गाइस, ये तो कंफर्म हो गया है कि बजाज पल्सर NS200 के न्यू मॉडल को इस साल इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लेकर आने वाला है। लेकिन दोस्तों, NS160 के न्यू मॉडल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पता चली है कि ये बाइक कब तक इंडियन मार्केट में आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर आती है तो बाइक में आपको कौन से न्यू अपडेट देखने को मिल जाएंगे और साथ में बाइक की प्राइस कितनी हो सकती है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, बजाज ने ब्राजील मार्केट में NS200 के साथ ही NS160 को भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन बाइक को डोमिनार 160 के नाम से अनवील किया गया है, बट जो बाइक का लुक है वो आपको सेम इंडियन टू व्हीलर मार्केट की NS160 जैसे ही देखने में लगती है। लेकिन बाइक में आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस बाइक में जो पहला चेंजेस किया जाएगा वो किया जाएगा बाइक की हेडलाइट में। अब NS160 के न्यू मॉडल में आपको फुली LED में हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा और जो बाइक इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे बाइक का लुक देखने में काफी शानदार होने वाला है। इसके साथ इस बाइक में अब आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिल जाएगा। पहले इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलता था, जिसकी जगह पर अब आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स मिलने वाला है। इसके अलावा इस बाइक में अब आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ ही डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इस बाइक में अब आपको TFT डिस्प्ले वाला कलरफुल मीटर कंसोल भी देखने को मिलने वाला है और बाइक में आपको वही सेम स्लिप टाइप की सीट आएगी, जो कि लॉन्ग ड्राइव में काफी कंफर्टेबल होने वाली है। इसके साथ ही NS160 के न्यू मॉडल में आपको स्लीपर क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है, जिसका चांसेस काफी हाई है। लेकिन दोस्तों, अब इस बाइक में जो कंफर्म फीचर है वो है अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, डुअल चैनल ABS और ODP सेंसर। ये तीन फीचर बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन स्लीपर क्लस्टर, राइडिंग मोड और गियर पोजीशन इंडिकेटर, जब बाइक लॉन्च होगी तभी इन फीचर के बारे में पता चलेगा। इसके साथ ही बाइक में आपको न्यू ग्राफिक्स, न्यू कलर स्कीम भी देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों, अगर बाइक के प्राइस की बात करें तो इतने सारे चेंजेस होने की वजह से ये बाइक आपको 5 से 6 हजार रुपए ज्यादा देखने को मिलने वाली है। यानी कि ये बाइक आपको 1,30,000 रुपए की एक्सशोरूम प्राइस में और 1,50,000 रुपए की ऑन रोड प्राइस में इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और अगर बाइक की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको इस साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिल जाएगी। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा।